बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से। चलो मेरा नाम दिवाकर है और सुबह का वक्त है और मैं थोड़ा लेट उठा हूँ, लेकिन मैंने जैसे कि देखा एक चीज़ जो कि आपको भी देखनी चाहिए। क्या है वो चीज़? तो चलते हैं जल्दी से, आखिर क्या होने वाला है आज घर के अंदर। हाय डूड, नमस्ते। मेरा नाम फैज़ है। एंड व्हाट हियर इज गोइंग ऑन? व्हाट हियर इज गोइंग ऑन? या ये देखो ये क्या हो रहा है, एनीवेज क्या पंगू क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो साड़ी बनाने की प्रिपरेशन हो रही है। देखो मम्मी जो है साड़ी पहना रही थी, उसको मैं एकदम से पहुंच गया, मुझे पता ही लगा। और अब वो देखो क्या छू, वो चाह रही है कि मेरा मेरी वीडियो मत बना। क्या हो गया? तुझे कपड़े पहना तो अब जो है साड़ी पहना रही है फाइजा को। फाइजा साड़ी पहनने वाली है। फाइजा Yeah, देखो यार अभी ये he सब never wants to make him make his things देखो देखो भाई ये सब फैला हुआ है, हर तरफ फैला हुआ है, मैं आपसे साफ बता रहा हूँ। और उसका रीजन ये है कि मुझे कबर्ड खरीदनी है, वोड्रो खरीदनी है। यहाँ पे वोड्रो वोड्रो में ये सब चीजें रखी जाएंगी और थोड़ा वॉलपेपर्स वगैरह लगाने हैं। समय नहीं मिल रहा बिल्कुल भी, उस करने को भी कुछ नहीं है, समय भी कुछ नहीं मिल रहा। तो अभी क्या है, अभी फाइजा जो है आज साड़ी पहनने वाली है। आप भी देखिएगा कैसी लगेगी साड़ी पहन के वो। तो भाई साड़ी पहनाने की प्रक्रिया चल रही है, अभी पहनाई जा रही है साड़ी फायजा को। और बहुत ज़्यादा इसमें मुश्किल हो रही है सबको। और दोस्तों आप में से बहुत लोग कह रहे थे यार कि फायजा ने मांग क्यों नहीं भर रखी। भाई आपको पता तो है यार, आप क्यों कह रहे हो ये बात? अभी हमारी हमारे सनातन परंपरा से 7 फेरे नहीं हुए, शादी नहीं हुई है, वो मांग कैसे भर लेगी? आप खुद बताओ यार, जब उसके बाद होगी। जबकि और दूसरी बात है भाई, मेरा अलग कमरा है, फैजा जो है वो उधर सोती है मेरी मदर के साथ। जब शादी हो जाएगी, और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई शादी कब है, रिसेप्शन कब है, डेट कब है, तो मैं आपको बता देता हूँ, नवरात्र आने वाले हैं। तो नवरात्रों में एक कोई तारीख निकलेगी और फिर जाके मैं आपको बता पाऊंगा, क्योंकि एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता। तो अभी फ़िलहाल जो है साड़ी पहनाई जा रही है, अभी देखते हैं साड़ी पहनने के बाद फैजा कैसी लगती है। तो भाई साड़ी पहनाई जा रही है। तुम नहीं पहनाओगी साड़ी? कैसे साड़ी पहना रही हो ये? कितनी बांध दिया है मैंने तो बहुत बांध दिया है। बगल पंगो या बगल पंगो। हाँ। How are you feeling about the साड़ी? क्या? I'm feeling good, but I was watching movie. I don't know. I can't do anything. She won't let you wear साड़ी। You won't? अपने मुंह पे ऐसे लगा ले, तेरा मुंह ब्लर कर दूंगा मैं, पता चले तुझे स्कूल में सब पकड़ लें। नहीं, हाँ पूछने लगेंगे तुझे सब। उसे साड़ी पहनाने के लिए 2 लोग लगे पड़े हैं, ये जिसका चेहरा आप मत देखो, ये है मेरी छोटी सी भांजी। अखबार में देख सकते हो? अखबार में देख सकते हो? तुझे बताओ अखबार में आना तुझे अभी से ही है। Why I am this much? Why I am this much special? यहाँ पकड़ ली। पकड़ मम्मी सब कहते हैं कि तुम खुश नहीं हो, तुम कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? अभी नींद आ रही। अरे यार हाउ यू फीलिंग अबाउट द साड़ी? How are you feeling about the sari? It is adorable. Adorable? No. Listen. Adorable. Hindi. Mehboob. Huh? Mehboob. Mehboob? Mehboob ji. Mehboob what? It is Mehboob. It is Mehboob. Lovely. तो भाई मशक्कत के बाद फायजा ने साड़ी पहन ली है। कम कम चीन टपक तुम टप कम कम। फाइनली फायजा ने साड़ी पहन ली और फायजा देखिए आप कैसी लग रही है। टन 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 टन। तो भाई फायजा ने साड़ी पहन ली है और आप देख सकते हैं फायजा कैसी लग रही है साड़ी। How are you feeling in the study? To the time I'm not moving, I'm okay. But if I move, I feel so. Okay, try to move. Come.
ऐसा लग रहा है फेयरवेल में जा रही है, फेयरवेल पार्टी में। टैन टैन तो दोस्तों अभी आपने फाइजा को जो है वो साड़ी में देखा था, और अभी थोड़ी देर पहले फाइजा के लिए नए सूट आए हैं, यानी कि इंडियन सूट आपने देखे हैं, और ज़्यादातर इंडियंस जो लड़कियां हैं वो पहनती हैं। अभी फाइजा ने भी एक सूट ट्राई करा है, और एक सूट वो ट्राई करेगी, और एक सूट वो कल ट्राई करेगी, क्योंकि उस सूट को पहन के वो पहली बार किचन में खाना बनाएगी। तो मैं फाइजा से कहूँगा कि फाइजा आए और वो सूट दिखाए जो उसने अभी पहन रखा है, और आप बताइएगा क्या फाइजा इस टाइप की क्लॉथिंग का बिजनेस इंडिया में कर सकती है नहीं कर सकती। तो मैं यहाँ से जाता हूँ और फाइजा यहाँ पर आएगी। Look, how I seem, huh? This is one of those suits that Mark gave me, and actually I like them. You know, I like the style. I like the material that he's used in making them, and we have such material nearby. Actually, this is some kind of clothes. And we most of the times we use this type material in the summer when we are in Iran, and those people who lives in the south of Iran, I think because the weather is so hot, approximately during 1 year, I mean during whole year, the weather is hot. I think if it is not hot, it is warm at least. They don't have that much coldness, so even they use such material. And I was thinking, actually I and the worker were thinking that because I'm very much into the clothes, and I myself think that, you know, I have a good taste in choosing the clothes, so I was thinking that if I start to have a collection, then are you ready to buy from me? Like, if the collections be under my name, then are you ready for buying? Are there a color that mom give me? It is this, okay? I thought this is your color. Yeah, so this is the, actually I am in love with the color of it, and if I want to show you the shawl, so shawl please. It is a magic. Don't think that there is a human there. It is a magic. So, look, the shine is like this. This color just reminds me calmness. Okay, calmness, breeze, and those kind of concepts which make you full of calm. And the pants of it. Here is a pants. As you all Indian know, this type of the Indian suits are so much good for even using in summer, I think, because they're so cool. So do you want to see the other one? Are you ready? Okay, now. Oh my god! You know, here, this time the magic didn't work in a good way. I have to be full of focus. Okay, so here we have a certain persimmon color, and it is like a, in comparison to this suit and that blue one, the style is simple, and but it is still beautiful, and this is one of those colors that suit me. So how about the shawl? तो दोस्तों आपने देखा कि फाइजा को मिले हैं नए कपड़े इंडियन स्टाइल, और उसको इतना पसंद आया कि उसने कहा कि मैं खुद का एक कलेक्शन बनाना चाहती हूँ। ईरान में बहुत लड़कियाँ ऐसा करती हैं, देर आर मैनी गर्ल्स हु डू दिस काइंड ऑफ बिजनेस विच इज़ क्लॉथिंग बिजनेस टू मेक देयर ओन कलेक्शन। सो फाइजा ने सोचा है अपना खुद का कलेक्शन बनाने के लिए खुद के ब्रांड के साथ, जिसका नाम होगा फाइजा। देखते हैं हम कैसे करेंगे, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इस तरीके से फाइजा इंडियन क्लोथिंग अभी ट्राई कर रही है, कुछ दिन तक इंडियन क्लोथिंग रहेगी। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सहारनपुर में कहाँ मिलेंगे, पहले भाई मैं सहारनपुर पहुँच जाऊँ, क्योंकि मैं वंदे भारत ट्रेन देख रहा हूँ, ताकि मैं फाइजा को ट्रेन का सफ़र करा पाऊँ। इंडियन ट्रेन का सफ़र पहली बार फाइजा करे,
उसका कैसा एक्सपीरियंस होगा। तो मुझे वंदे भारत में टिकट मिल जाता है, जाएंगे सहारनपुर, और रक्षाबंधन कहाँ मनाएंगे? सहारनपुर। ओके okay. सहारनपुर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और ओम नमो नारायण।